क्योंकि सेहत दे संबंधी बहुत सारे सवाल तुहाडे साडे तक पहुँचते रहते हैं, तो कई बार नुस्खिया नाल गलबात करन दी कोशिश करते डॉक्टर साहब, तो कई बार वो तुहानू दवाई भी दस देंगे। सो कॉपी पेंसिल नाल रख्या करो। तुहानू खुद नू नहीं लगता कि जो बीमारियां कोई डायबिटीज़ की गल कर रहा, कोई तुहानू शुगर की गल कर रहा, कोई तुहानू हाई ब्लड प्रैशर की गल कर रहा, मतलब दवाइया च घिर के सारा दिन बीमारियां च घिर के दवाइया च घिर के खुद नू किवें महसूस होंदा? जदों किसी नू सुकून आता है बीमारी तो उदो मैनू बड़ा अच्छा लगता, उदो बड़ा ही सुकून आता मैं। उस मुल्क च डिसप्रीन लैना भी औखी है लोगों। मेरा मूड है कि मैं जो टाइम मिले ना मैं उत्थे जाके हफ्ता रहा करना, और उत्थे रोज़ 250 to 500 बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट देखा करना, दवाइया इतों शिप करा देनियाँ, किन्ने क लग जाएंगे, जिन्ने कमाए को होन उत्थे ला के आने फ्री ऑफ कॉस्ट। असीं अपनियां खाण पीण दीआं आदतां दे नाल, रहन सहन दीआं आदतां दे नाल अपने आप नूं इन्ना कु विगाड़ दित्ता, अपनी सेहत नूं इन्ना विगाड़ दित्ता। कॉमन क्रॉनिकल डिसीज़ तां हैगियां हैगियां ने, पर सीरीयस डिसीज़ भी लग गईआं ने। हाई कोलेस्ट्रॉल दी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जी लोगों, गाउट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। सो वो प्रॉब्लम खाण पीन के नाल ही होंदी है, आदतों के नाल ही होंदी है, पर उन्हें फिक्स किवें कीता जा सकदा? वैदर नाल ही होंदी है। ओह अच्छा जी, जिथे मैं रह के आया उत्थे लोगों नूं हाई कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, उत्थे मोटा बंदा ही नहीं दिसिया। मैं जिहड़ियां बीमारियां लगदियां या वैदर ना लगती है या थोड़ी फूड और मिसमैनेजमेंट ना लगती, उन्होंने फिर मैंने मैसेज किया कि मैंने हार्ट अटैक हो गया तो मेरे ना गल करो। हुण उन्हां दा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल ये थोड़ी मिसमैनेजमेंट है फूड की, कोलेस्ट्रॉल थोड़ी बैड फूड है। ये कोई फूड नहीं खाते, असी फूड ज़ाया करते हैं, असी सिर्फ पेट च एक खाली चीज़ भरते हैं जिसे कोई एनर्जी नहीं, जिसम उल्टा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है लिवर तो। देखो यही मेन चार कारण, तो जो ये सारे खराब हो गए तो इन्होंने दिल को खराब करना। जो थोड़ा लिवर सही ब्लड नहीं बना रहा तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा, जो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा तो थोड़ा ओबियसली आर्टरीज बंद हो रही, थोड़ा हार्ट डैमेज हो रहा, वो नालियाँ बंद हो रही। जिहड़ा ये कोलेस्ट्रॉल है यदा इलाज तुम्हें बड़ा ही सौखा दस्या हो, जो दवाइया पुछनिया जे तो यदिया दवाइया भी है, लेकिन तुम हैरान होवोगे कि मैं वो दवाई क्लीनिक तो दिता ही नहीं। मैं कहना जो इन्ना सौखा इलाज कर पिया तो की करनी तुम? जे ऑलिव ऑयल लैन तो बाद कोलेस्ट्रॉल नहीं कटिया तो 100% प्रूफ है कि ऑलिव ऑयल असली नहीं। डॉक्टर साहब, असली ऑलिव ऑयल दियाँ की निशानियाँ हो सकती ने? क्योंकि असं मार्केट जाने, ईवन ऑरगैनिक स्टोर के उत्ते भी ऑरगैनिक ऑलिव ऑयल लिखा होंगे, पर वो मतलब इस तरह का नहीं होंगे, क्योंकि जो फ्रिज रखते जम जरूर जाता। पहली वो निशानी यह है, तुम जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई जी दसते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल की एक वड्डी स्टेज पहुँच जाती है गाउट प्रॉब्लम, छोटे जोड़ दुख रहे वड्डे दुख रहे वाला दुख रहे जोड़ ट्राइग्लिसराइड जी का वादा हो दालचीनी खाए अद्धा चमचा चाय वाला छोटा फूड से छिड़के, जिदा कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड वादा हो अद्धा चमच ऑलिव ऑयल खाए, किसी डॉक्टर मुर्तज़ा को ना जाओ। एक चीज़ खाण दे नाल तुहानू होर 100 बीमारियां नू फायदा जिहड़ा पहुँच रहा, तां हार्ट नू ईवन तुसीं कहिंदे हुंदे कि हार्ट हैल्थ तुहाडी सैट हो जाती है ऑलिव ऑयल दे नाल। जिहड़े घर च अद्धा चमच ऑलिव ऑयल रात नू और अद्धा चमच टी स्पून दा दालचीनी दा छिड़क के खाधा जांदा बचपन तो आनवर्ड, उहनां दे 10-10 घर इधर भी हार्ट अटैक नहीं आंदा। तुसी
देख रहे हो सांझा टीवी, मैं हाँ तुहाडे नाल अर्शदीप ते तुहाडा सारयां दा प्रोग्राम खास मुलाकात दे विच स्वागत। इस प्रोग्राम दे विच खास गलबात होने वाली है ते गलबात करांगे सेहत संबंधी, क्योंकि सेहत दे संबंधी बहुत सारे सवाल तुहाडे साडे तक पहुँचते रहते हैं, तो उन्हां दे विचों कॉमन सवाल्स नूं जिहड़े सवाल ने सारे उन्हां नूं इकट्ठे करके असी डॉक्टर साहब तो जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हों का की इलाज हो सकता है, कि उन्हों की दवाई हो सकती है, तो की वो नुस्खे हो सकते हैं। तो कई बार नुस्खिया नाल गलबात करन की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब, तो कई बार वो तुहानू दवाई भी दस देंगे ने। सो कॉपी पेंसिल नाल रख्या करो, अपना कोई भी आईपैड फोन नाल रख्या करो, ताकि फटाफट टाइप कर सको वो नुस्खियां नूं, ते जां फिर तुसीं वो दवाइयां लिख सकते हो, जां फिर यूट्यूब ते जाके ये प्रोग्राम नूं दोबारा देख सकते हैं, तो उदों तुसीं उस नूं दोबारा दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। सो अज भी डॉक्टर साहब स्टूडियो दे विच पहुंचे हुए ने, आओ गलबात करते हैं ते जानते हैं बहुत सारिया बीमारियां दे हाल। डॉक्टर साहब स्वागत है जी तुहाडा, आओ गलबात करते हैं डॉक्टर नाल। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब तुहाडे नाल जदों गल करते हैं ना तो बीमारियां की गल हर कोई करता, तुहानू खुद नू नहीं लगता कि जो बीमारियां बीमारियां, कोई डायबिटीज की गल कर रहा, कोई तुहानू शुगर की गल कर रहा, कोई तुहानू हाई ब्लड प्रैशर की गल कर रहा, मतलब दवाइया च घिर के सारा दिन बीमारियां च घिर के दवाइया च घिर के खुद नू किवें महसूस होंदा? जदों किसी नू सुकून आंदा है ना बीमारी तो उदों मैनू बड़ा अच्छा लगता, उदों बड़ा ही सुकून आंदा मैनू। एक तो वह डायरैक्ट सुकून मैं फील हों, एक इनडायरैक्ट अल्लाह वालों होकर जो वापस आता वो हूँ। तुम इतने गौर करो, अगर तुम्हारे 1,00,000 पेशेंट है तो 1,00,000 टाइम्स तुम्हारा सुकून बढ़ गया। तुम गौर करो कि जिन्होंने ये नशा लग जाए वह किसी होर काम च जी लगेगा। एक तो सुकून तुम्हें अखा देख के उस बंद आया कि पिछली बार आई सी माई तो इदा इदा बड़ी औखी टुर के आ रही थी, इस बार सीधी खड़ी होकर आ रही है, तुम्हें कितना सुकून आता। फिर जो उन्होंने सुकून आया तो वो दिल चो सुकून की हाँ निकली कि मैंने जिन्हें ठीक किया रब्बा वह भी भला कर दे, जो नहीं भी निकली तो वह सुनते रहा ना देखते रहा ना कि किसी ने ये भला किया, वो इनडायरैक्टली एक एक परसेंट भी मैं आता रहे। तो 1,00,000 मरीज जो ठीक होया हूँ तो पता नहीं किन्ने हो गए, मैं एक अंदाजे ना दस रहा, जो 1,00,000 भी ठीक होया तो 1,00,000 का 1% 1,00,000% हो गया। ये आम बंदे नूं हासिल हैगा ये नशा, ये नशा जो ये लग जाए ना। हुण जिथे मैं गया सी उस मुल्क च डिसप्रीन लैना भी औखी है लोगों नूं। मेरा मूड है कि मैनूं जदों टाइम मिलिया ना मैं उत्थे जाके हफ्ता रहा करना, और उत्थे रोज़ 250 to 500 बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट देखा करना, दवाइया इतों शिप करा देनियाँ, किन्ने क लग जाएंगे जिन्हें कमाए कोल हो उत्थे ला के आने फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने लोगों को छोटे छोटे मसले नज़ला जुकाम के बेचारे दवाई नहीं लै सकते, इन्नी गुरबत है उत्थे, लेकिन इन्ने अच्छे लोग, इन्ने हसमुख, इन्ना प्यार करते। बीमारियां उत्थे है ही बहुत घट, लेकिन जड़ियाँ हैगियाँ वो बेचारे अफोर्ड ही नहीं करते उसकी दवाई लैना, उन्होंने पता ही नहीं, अवेयरनैस नहीं, एजुकेशन नहीं उत्थे। लेकिन हैप्पी नेशन आ, खुश रहेंगे, ट्रॉपिकल की गल कर रहे ते ओ तुसी उत्थे जाके अगर उत्थे उन्हां लोगां नूं छोटी छोटी खुशियां दिओ, ओ कहिंदे ने कि अगर तुसी ये काम इत्थे करता ना तो तुसी भावें इत्थे प्रेजिडेंट दा इलैक्शन लड़ लैणा। मैं कहा इलैक्शन ते मैं की लड़ना, लेकिन जिहड़ियां नेकियां मिलदियां ओ किन्ना अच्छा है। ते इसलिए ये मैनूं तंग नहीं करदियां ये चीज़ां, किसी दी बीमारी नूं ठीक करना। मेरे कोल ये बहुत वड्डा अपनी बख्शिश दा बहाना है, आखिर अगे तो जाना है तो उत्थे जाके जो पुठे काम आ उन्हां दी कुट ते पैणी है, तो उन्हां दी कुट तो बचन दा ये बहाना है मेरे कोले कि उत्थे कुट घट पवे या ना ही पवे, शायद शायद नहीं, मैनूं यकीन है कि नहीं पवेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल अपने आप ते बंदे नूं यकीन हुंदा, बाहरों असीं जिस तरह मर्जी लगदे होईए पर जदों असीं अंदर झात मारदे हां ना असीं अपने आप नाल अखां मिलाउण जोगे होईए कि असीं की कह रहे हां, की कर रहे हां, की ओह सही चीज़ां हो रहीआं ने। सो ओह है कि जदों तुसीं अपने आप नाल नज़रां मिला लईआं ना सानूं साडे अंदर पता ना असीं सही कर रहे हां, फिर बाहर जो मर्जी होंदा रहे कोई परवाह नहीं हैगी। पर डॉक्टर साहब बाहर बीमारियां जरूर लग रही ने, खास करके इन्हों मुल्कों के जिथे तुसी जाके आए हैं उत्थे तुसी कहा कि घट बीमारियां लगदियां ने, पर इन्हों मुल्कों की भज दौड़ भरी इन्नी जिंदगी है कि असी अपनी खाण पीन दियां आदतों के नाल, रहन सहन दियां आदतों के नाल अपने आप नूं इन्ना क बिगाड़ दिता, अपनी सेहत नूं इन्ना बिगाड़ दिता। कॉमन क्रॉनिकल डिसीज तो हैगियां ने, पर सीरीयस डिसीज भी लग गई ने। हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जी लोगों, गाउट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। सो वह प्रॉब्लम खाण पीन के नाल ही होंगी है, आदतों के नाल ही होंगी है, पर फिक्स किवें कीता जा सकता? वैदर ना भी होंगी है। ओह अच्छा जी, जिथे मैं रह के आया उत्थे लोगों हाई कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, उत्थे मोटा बंदा ही नहीं दिसिया मैं। ओके, फूड पर डिपेंड करता है, फिश बहुत खाते हैं, उन्होंने डेली की फूड च एक फिश का पीस जरूर होएगा,
एक टाइम की फूड फिश होएगी, राइस खाने उन्होंने उबले तो फिश खाने, उन्होंने मौजा लगी हुई इन उन्होंने फिश अवेलेबल है, सू तो इतने इन्नी अवेलेबल नहीं। वो फिश खाने वाले मुल्क च बीमारियां है ही नहीं, उन्होंने जो है थोड़िया बहुत जिमें वैदर दया कोई होर आ गई या कोई होर छोटी मोटी कोई आ गई तो वो उन्होंने बेचारे को पैसे है नहीं ठीक कर। जड़िया बीमारियां लगदियाँ या वैदर ना लगदियाँ या थोड़ी फूड और मिसमैनेजमेंट ना लगदियाँ या कोई इक्को दुक्का बीमारी है जी दूसरे तो लगती है एक आदि, अदरवाइज बाकी बीमारियां जो तुम अच्छे वैदर च अच्छे मुल्क च रहते हो तो उतों के लोग क्यों बीमार होंगे जो अच्छा वैदर है। तुम मेरी मिसाल ला लो, मैं एक दिन बाद आया, मैनू एक ही दिन कुछ नहीं होया, उन्हों लोगों का एक वाल नहीं डिगदा किसी का, इतने हर दूसरा बंदा तुम आके कहता मेरे वाल डिगते वाल डिगते, मेरा भी इन्ने दिन कोई वाल नहीं डिगया। मैं वाशरूम च देखता हूँ वाइट कलर का सी तिलो वाशरूम, मैंने एक वाल नहीं नजर आया कदे, इतने आने पहले दिन ही पहला एक वाल नजर आ गया, अगले दिन एक और आ गया, अगले दिन होर वध गए होर वध गए, जिवें जिवें तुसीं इतने रहना शुरू करो अगले दिन ही मैं बीमार हो गया, जुकाम हो गया, ठंड च आ गया, गर्म इलाके चो ठंड, मैं क्यों लै भी आने फड़ लिया डॉक्टर साहब भी बीमार हो गए। ऑब्वियसली जो वैदर चेंज होया तो एक कलियां बीमारियां फूड में मिसमैनेजमेंट ना नहीं लगदियां, ये वैदर ना भी लगदियां, तुहाडे आउटसाइड दी एनवायरमेंट ना भी लगदियां। हुण रही गल कोलेस्ट्रॉल दी, कोलेस्ट्रॉल जिहड़ा है वो जरूरी नहीं कि मीट खाने वालेयां दा ही वधे। कोलेस्ट्रॉल कल मैनू एक डॉक्टर साहब का फोन आया कि बार बार मैनू फोन कर रहे थे, मैं अटेंड नहीं कर रहा, डॉक्टर ने किसी होर शहर इत्थे ही कैनेडा च, उन्होंने फिर मैनू मैसेज किया कि मैनू हार्ट अटैक हो गया तो मेरे नाल गल करो, वो 60+ ने, मैं उन्होंने फोन किया। हुण वो वैजीटेरियन ने, वो तो कोई मीट शीट नहीं खाते, तो उन्होंने 5 आर्टरीज ब्लॉक, 90% 200% तो वह बाईपास ही होएगा, उन्होंने स्टंट ऑलरेडी पे हुए हैं, हुण उन्होंने भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल ये तुहाडी मिसमैनेजमेंट है फूड की, कोलेस्ट्रॉल तुहाडी बैड फूड है, जिहड़ी अग्गे भी आपां गल कर रहे सी कि मार के फूड जिहड़ी असीं खांदे ये कोई फूड नहीं खांदे, असीं फूड ज़ाया करदे हां, असीं सिर्फ पेट च इक खाली चीज़ भरदे हां जिहदी कोई एनर्जी नहीं जिसम च, उल्टा कोलेस्ट्रॉल वध रहा, फिर कोलेस्ट्रॉल वधदा लिवर तो, फिर कोलेस्ट्रॉल वधदा तुहाडे गॉल ब्लैडर तो, थोड़ा गॉल ब्लैडर और लिवर खराब है, थोड़ा पिंक्रियाज अपने आप खराब हो जाना, शुगर हो जानी, थोड़ा किडनी अपने आप खराब हो जाना, स्टमक तो इन्होंने शुरू ही कर देना खराब। देखो यही मेन चार कारण, तो जो ये सारे खराब हो गए तो इन्होंने दिल को खराब करना, जो थोड़ा लिवर सही ब्लड नहीं बना रहा तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा, जो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा तो थोड़ा ओबियसली आर्टरीज बंद हो रही, थोड़ा हार्ट डैमेज हो रहा, वो नालियाँ बंद हो रही, इस तरह ही थोड़ी याददाश्त भी वीक होंगी जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, थोड़े क्रीक पैदा हो जाती, बड़ी बड़ी बरीक बरीक नालियाँ जोड़ियाँ एंड ते है ना ब्रेन दियाँ, उहदे च क्रीक बन जाती, उत्थे खून फ्लश ही नहीं करता, एंड तक जाता ही नहीं। इस तो जोड़े बचपन दियाँ यादा ने वो बचपन वाले बच्चों कि जल्दी चीज़ा याद हो जाएँ, सानू नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने क्रीक नहीं बनी होंगी हाले तक, उन्होंने जी बरीक आखिरी जड़ियाँ वेन्स होंगे ने, साढ़े वो शुगर नाल बूफ बैड फूड नाल कोलेस्ट्रॉल नाल वो क्रीक बन जाती, आखिर तो ब्लड ही नहीं फ्लश करता। जिनको बायलोबा लेना चाहिए जिन्होंने याददाश्त की कमी है, सॉरी जड़ा ये कोलेस्ट्रॉल है यदा इलाज तुम्हें बड़ा ही सौखा दस्या, जे तो दवाइया पुछनिया जे तो यदिया दवाइया भी है, लेकिन तुम हैरान होवोगे कि मैं वो दवाई क्लीनिक तो दिता ही नहीं, मैं कहना जो इन्ना सौखा इलाज कर पिया तो की करनी तुम दवाई, वो दवाई मेरी पई 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 साल ही गुजर जाते, वो मैं दिती ही नहीं कदम कोलेस्ट्रॉल की दवाई, जरूरत ही नहीं तुम जो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ठीक है। ओके वो ठीक करने वाली चीज़ है असली 100% एक्सट्रा वर्जन अनरिफाइंड ऑलिव ऑयल। ओके किड्डी सौखी दवाई है, अद्धा चमचा जरा बंदा रात को रोज़ लेंदा, गर्म इलाके वाले क्वार्टर चमचा ले लैन, असं इतने एक चमचा या अद्धा चमचा ले लीए, जिन्होंने ब्लड प्रैशर है इतने वो अद्धा चमचा ले ले, जिन्होंने उत्थे ब्लड प्रैशर वो क्वार्टर चमचा ले ले, चंद दाने ही ले लो, चंद ड्रॉप ही ले लो, 10 ड्रॉप ही ले लो, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, शर्त यह है कि ऑलिव ऑयल असली होए, जे ऑलिव ऑयल लैन तो बाद कोलेस्ट्रॉल नहीं कटिया
100% प्रूफ है कि ऑलिव ऑयल असली नहीं। डॉक्टर साहब, असली ऑलिव ऑयल दियाँ की निशानियाँ हो सकती हैं ने, क्योंकि असी मार्केट जाने, ईवन ऑरगैनिक स्टोर के उत्ते भी ऑरगैनिक ऑलिव ऑयल लिखा होंगे, पर वो मतलब इस तरह का नहीं होंगे, क्योंकि जो फ्रिज रख दे जम जरूर जाता। पहली वो निशानी यह है कि तुसी देखो तेल, वैजिटेबल ऑयल, कनोला ऑयल, फलाना फलाना ऑयल, वो सस्ता पैंदा कि ऑलिव ऑयल सस्ता पैंदा। ऑब्वियसली कनोला ते वैजिटेबल ऑयल सस्ता है, ऑलिव ऑयल महंगा। पहली निशानी तो यह है कि जेड़ा थोड़ी प्राइस चा उदे विच ऑलिव ऑयल किवें होएगा। ऑलिव ऑयल की कदम तुसी बोतल देखो ना, तो इन्नी खूबसूरत बोतल होंगी, बनाते ही उन्ने पैसे लग जाते जिन्ने की उहदी टोटल प्राइस रखी होंदी है। तो फिर ऑयल कित्थों होएगा ऑलिव ऑयल असली? पहली तो यदि निशानी है, तुहानू खरीदन लगे ही पता लग जाएगा। दूसरी यदि निशानी यह है कि जो तुसी बोतल का ढक्कन खोलोगे ना, तो यह तकरीबन 8 इंच के फासले तो तुहानू उहदी खुशबू आनी चाहिए। ओके, उहदी खुशबू आएगी, एक अरोमा आएगा, खास अरोमा वो तुहानू आना चाहिए। जे नहीं आता थोड़ा नेड़े करके देखो, लेकिन आना चाहिए। जे उहदे चों तुहानू ऑलिव का ऑलिव ऑयल का अरोमा नहीं ना आया, तो वो ऑलिव ऑयल नहीं है। दूसरी है निशानी, इन साइड पर कर दियो, इतों ही साइड पर कर दियो। तीसरी निशानी है कि वह तुसी एक चम्मच लाओ, अद्धा पौना ढक्कन, वह ढक्कन ही पा लो, बेशक चम्मच पा लो, उन्होंने मुँह च रखो, पीना नहीं, उन्होंने सुड़कना अंदर इस तरह करके, जे तो थोड़े गले नाल वज्या हो जाके तो तुहानू तुरश जिहा लग्या, तो वो ऑलिव ऑयल है। ऑलिव लगता है, तुसी कदे ऑलिव खादा ना? हाँ जी, हाँ जी। ऑलिव खांदे हो तो लगता है ना, खट्टा जा और तुरश जा और तेज जा होंदा, उहदा एक खास टच है, उहदा एक खास टेस्ट है जी। ना कौड़ा उहनू कहांगे असीं, ना मिठा कहांगे, ना उहनू समूथ कहांगे, उह एक खास चीज़ है। उह तुहानू फील होया गले च, ते जे नहीं होया ते उहनू उत्थे परे कर दिओ, खुशबू वी हो सकदा पई होवे, उह तुसी परे कर दिओ। उस तो बाद चौथा टेस्ट है तुहाडी अपनी बीमारी, जे तुहाडा कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड नहीं घटिया ऑलिव ऑयल लैण तो बाद, तो फिर भी ऑलिव ऑयल तो नंबर है। 90% तो फेक है, जिन्ने मार्केट पे ना 100 चो 10 या 5 ही ठीक है, 90 या 95 ऑलिव ऑयल जिन्हां ते लिखे होया एक्स्ट्रा वर्जन 100% 10,000% ऑरगैनिक प्योर कोल्ड प्रेस खास चीजा गिनाउंदे आ, उह सानूं हजे तक जिहड़ा उह नहीं मिलिया, पर इह है कि उहनूं तुसीं पिछले प्रोग्राम दे विच कहा सी कि लब्भे तां रब वी मिल जांदा, सो लब्भणा पैणा मैनूं तां लब्भ जांदा मेरे घर पिया बहुत। मैं अपने क्लिनिक ते इक फोटो सैशन लई इक ऑलिव ऑयल रख्या होया, उह फोटो सैशन कराउण लई रख्या। कई लोग कहते सानू यही दे दो, मैं कहनी ये वाकियां दे फिर कम नहीं आएगा ना, तुहानू देता ते ओदी तस्वीर खिचवा देना, दस देना फलानी जगह तो लभ जाएगा, लै लो जाके, जे मुक ना गया जिहड़ा मैं दसना शुरू कर दिया वह सोल्ड आउट हो जाता असली है, तो होर भर नहीं सकते, जिन्ना कि बनया इस सीजन च उन्ना की रहना, होर वो आना नहीं। जोसेफ ऑलिव ऑयल मैं दसिया तो वह सोल्ड आउट हो गया सारा। आर्केडियन माउंटेन्स का दसिया वो नहीं लभदा पिया, अच्छा लोग कह रहे हैं एक कैरा पहली दा ऑलिव ऑयल वो नहीं लगता पिया, हुण मैं किन्ने क पैदा कर लो ऑलिव ऑयल, असीं आ तीन तां नोट कर लिया, हुण तीन सर्च जिहड़े जरूर करांगे। सोल्ड आउट है, ਇਹ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਾਊਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾਊਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਊਟ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿੰਨਾ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜੋੜ ਦੁਖ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੁਖ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਜੋੜ, शुरू करे हौली हौली पूरे चमच ते लै जाए, यूरिक एसिड नहीं रहा। जिन्ना मैं मीट खाना उन्ना तो शायद ही कोई खाता है, रोज इन्ना मीट खा जाना, रात भी इन्ना खाता, मेरा तो यूरिक एसिड 50% है, मेरा कोलेस्ट्रॉल 50% है, बॉर्डर का 50% हाफ, कदे नहीं वध्या। मैं जदों भी चेक कराया कदे नहीं वध्या। ट्राइग्लिसराइड जी का वाधा होए वो दालचीनी खाए, अद्धा चमचा चाय वाला छोटा फूड ते छिड़क के, ते जिहदा कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड वाधा होए वो अद्धा चमच ऑलिव ऑयल खाए। किसी डॉक्टर मुर्तज़ा को ना जाओ,
कोई जरूरत नहीं कोई दवाई लैन की। यह बेसिक दो चीज़ा ठीक रही ना, ये ब्रेन भी ठीक रहेगा, ये शुगर भी नहीं होने लगी, ना नींद भी अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो ब्रेन अपने आप ठीक रहेगा, ये स्ट्रैस नहीं होएगा, ब्रेन डिहाइड्रेट नहीं होएगा, ड्राईनैस नहीं होएगी जिसम, अखा ड्राई नहीं होनगियाँ, कन ड्राई नहीं होगे, रोज़ असं कहने मूँह खुश्क हो जाता रात को, आ हीट ना जी चलती अपनी यह नहीं होएगी, या होएगी तो घट होएगा, हीट घट कर दो, पानी ज़्यादा पियो, नाल ऑलिव ऑयल का एक चमचा रात को पियो, नहीं होएगा नक् च स्निफ कर लो थोड़ा जहा ऑलिव ऑयल रात को सौन लग्या, नहीं मूँह ड्राई होएगा, नक् नहीं ड्राई होएगा, इतने फायदे इस ऑलिव ऑयल, यह प्रोग्राम ऑलिव ऑयल से करता बिल्कुल जी। अज मैं लगता है कि ऑलिव ऑयल का प्रोग्राम हो गया क्योंकि होर दवाइया की अब गल ही नहीं हुई। हुण तुसीं देखो कि सस्ता इलाज इहनूं कह सकते हैं कि एक चीज खाण दे नाल तुहानूं होर सौ बीमारियां नूं फायदा जिहड़ा उह पहुंच रहा है, हार्ट नूं ईवन तुसीं कहिंदे हुंदे कि हार्ट हैल्थ तुहाडी सैट हो जांदी है ऑलिव ऑयल दे नाल। जिहड़े घर च अद्धा चमच ऑलिव ऑयल रात नूं और अद्धा चमच टी स्पून दा दालचीनी दा छिड़क के खाधा जांदा बचपन तों आनवर्ड, उहनां दे दस दस घर इधर भी हार्ट अटैक नहीं आउंदा। गोलियां खून पतला करने वाली खांदे हो उहदे मुकाबले ते एक भी नहीं हैगी इहनां च। तुसीं अगर अद्धा चमच दालचीनी दा रोज़ खांदे रहो तुहाडे खून च क्लॉट नहीं बनेगा, ब्लड थिक नहीं होएगा, गाढ़ा नहीं होएगा। अगर तुसी अद्धा चमच ऑलिव ऑयल लैंदे रहो कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल जिहड़ा ओह खून दी नालियां जिहड़ियां अपनियां नालियां उहनां दे अंदर जम के ओह रस्ते नूं तंग कर दिंदा, जिहड़ा खुला रस्ता जिहचों ब्लड गुजरदा उहनूं ओह कोलेस्ट्रॉल जम जम के इन्ना क कर दिंदा, फिर जदों क्लॉट जांदा कोई तो फस जांदा ते उहनूं हार्ट अटैक कहिंदे। ना क्लॉट हैगा तुहाडे, ना खून गाढ़ा कि उहनूं लंघन च तकलीफ होवे, तुसी ऑलिव ऑयल भी लै रहे हो तो वह जड़ियाँ इन्ना क रस्ता वो एडा ही है, वो करीक नहीं जमा हुई, वो प्लैक नहीं जमा होया, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी कोई नहीं, तो ट्रैगलीसाइड भी कोई नहीं, क्लॉट ही नहीं बन रहा, तो हार्ट अटैक किवें आएगा, स्ट्रोक भी नहीं होएगा जी। देखो ना किन्ने फायदे, सीरियस बीमारियां जड़ियां ने उहदा इलाज बीमारी है जी। और दुनिया च तुहानूं पता किन्नवीं वजह है, दूसरी या शायद पहली वजह है जिहड़ी डैथ दी दुनिया च सब तो वड्डी, हार्ट अटैक, बिल्कुल हार्ट दी प्रॉब्लम। क्यों नहीं तुसी एड्डा सौखा इलाज करदे, वो दसन नहीं देंदे सौखा इलाज जी। वो कहंदे ने कि ये जिहड़े डॉक्टर ने दस्सिया तो साडा दुश्मन, क्योंकि साडे मरीज खराब कर रहे, उन्होंने ठीक कर रहे, तो इसलिए यह भी थोड़े उस सवाल का जवाब है जिहड़ा तुसी पिछले प्रोग्राम च एक सवाल किया कि दूसरे डॉक्टर तो है कहंदे तुसी है कहने, ये उहदा जवाब कि मैं तो ठीक करना चाहना, मैं कोई पैसे थोड़ी कमाना चाहना, उधर कुछ होर है। डॉक्टर साहब यह जो ऑलिव ऑयल है उसे लैन का तरीका भी तुसी दसते हुंदे कि दुध च मिक्स करके भी लिया जा सकता है। ऑलिव ऑयल लैन के कई तरीके ने, जिहड़ा सब तो अच्छा तरीका है अगर तुहानू साइनस वगैरह नहीं हैगा जां तुहानू दुध नाल एलर्जी नहीं हैगी तो तुसी ऑलिव ऑयल नू एक कप हल्दी दुध बनाओ, छोटा कप बना लो, उहदे च एक चमच कप च पा लो, उहनू पकाना नहीं कप च पा लो। जे तुहानू कॉन्सटिपेशन है, तुसी अगे मैनूं पुछ रहे सी कि कॉन्सटिपेशन दे बड़े सवाल आए, जे तुहानूं कॉन्सटिपेशन है तो तुसी उहदे च एक चमचा छोटा इस बगोल दा जिहनूं सिलियम हस्क कहिंदे आ असीं, इस बगोल दी छिलका उह उहदे च पा लो, एक तो मज़ेदार बड़ा हो जाएगा दुध तुहाडा। जे तुहाडा तुहानूं खून की कमी का तुसी शिकार हो तो दो खजूरां उहदे च पहले पका लो नाल ही हल्दी दे, उह खजूरां खा लो और उस कप दे विच तुसी शहद का एक चमचा पा लो, तुहाडी खून की कमी भी दूर हो जाएगी। लेकिन बीपी हाई है फिर नहीं करना, जे बीपी हाई है तो ऑलिव ऑयल भी पूरा चमच नहीं लैना, क्वार्टर चमच ही लैना या अद्धा चमच या क्वार्टर चमच, तो वह कप च पाना इस बगोल का छिलका तो ऑलिव ऑयल एक कप च पाना, खजूरां या कोई होर चीज़ है। जे तुहानूं लिवर का कोई प्रॉब्लम आ तो तुसी खजूरां की जगह पर दो फिग पाओ, इकट्ठियां नहीं लैनियां दोवें, ये दोवें इकट्ठियां नहीं यूज़ करी दियां, ये कोई नहीं दसेगा तुहानूं, फिग तो खजूर इकट्ठी नहीं एक टाइम यूज़ करनी, जे फिग रात नूं खाधी तो खजूर सुबह नूं, जे खजूर रात नूं खाधी तो लड़ पैंदियां ने, ये दुश्मन इन्हां दे कुछ चीज़ां ऐसियां जिहड़ियां एक दूसरे दे एंटी है। तो तुसी फिग पा लो दो उहदे च कप च, ते ओह फिग खा ली ते उत्तों हल्दी दुध जिहदे च इसबगोल बाद च पाया तुसीं ते ऑलिव ऑयल पाया ओह उपरों पी लो, लो तुहानूं बीमारियां की कमजोरी भी नहीं आएगी कोई। वेरी नाइस। सो डॉक्टर साहब अज दवाइया लिखवाने की लड़ नहीं हैगी, अज सिर्फ तो सिर्फ यह नुस्खा जो सा दर्शकों ने नोट कर लिया होना, इन्हों नोट करो अजमाओ तो फिर डॉक्टर साहब को दसो भी कि जो कम कर रहा। पर डॉक्टर साहब अज के प्रोग्राम के मैसेज की दोगे जी, अच्छा चंगा मैसेज की होएगा जी? चंगा मैसेज अज का यह है
कि हर बंदे की कोई ना कोई कमजोरी होंगी अर्श हर बंदे की अपनी एक वीकनेस है अपनी कमजोरी है समटाइम थोड़े हालात थानू वो कमजोरी दे जाते हैं समटाइम थोड़ी परसनैलिटी वो कमजोरी दे दें थानू समटाइम थोड़ी कोई ना कोई वजह बन जाती उस वीकनेस की अपनी कमजोरी नू दुनिया तो छुपा के रखो कदे भी अपनी वीकनेस नू लोगों ते ओपन ना करो जदों तुसी अपनी कमजोरी नू लोगों ते ओपन कर देंगे हो तो लोग तो बहाने लगते हैं तुहानू होर कमजोर करन दे जदों तुसी कमजोरी दे दोगे तो तुहाडी कमजोरी नू यूटिलाइज करनगे अपने फायदे लिए सौ चो सौ नहीं करनगे लेकिन अगर एक ने भी यूज कर लिया तुहाडी कमजोरी नू अपने फायदे लिए तो तुहानू होर कमजोर कर देगी इसलिए अपनी कमजोरी नू अपने तक रखो उन्हू अपने अंदर छुपा के रखो और अपनी कमजोरी नू ताकत बना लो अपनी उहदे ते ओवरकम कर जाओ और उन्हू अपनी ताकत बना लो तुसी जिंदगी च काफ़ी चीज़ों तो बच जाओगे बिल्कुल जी सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि तुसीं सानूं बीमारियां दे नाल नुस्खियां दे नाल इन्ना वधिया मैसेज भी दिंदे आ थैंक यू सो मच अगले प्रोग्राम दे विच फिर तो मुलाकात होवेगी जी थैंक यू सो मच सो डॉक्टर साहब ने अज बहुत वधिया मैसेज दे नाल नाल ऑलिव ऑयल दे बारे भी दस्या सो ऑलिव ऑयल मेक श्योर कोल्ड प्रेस होवे मेक श्योर ऑरगैनिक होवे मेक श्योर उहदे विच वैजिटेबल ऑयल ना होवे प्योर ऑलिव ऑयल जो तुहानू मिलदा तां उहना इस्तेमाल जरूर करके देखो ते रिजल्ट्स डॉक्टर साहब नू फिर बाद विच दस्सिओ कि रिजल्ट्स जिहड़े रहे ने अगली बार डॉक्टर साहब दे नाल फिर मुलाकात करांगे इन्हां दे नाल कोई भी अपॉइंटमेंट बनाउणी आ तां इन्हां दे नाल संपर्क किया जा सकता इनफॉर्मेशन ते अपडेट असीं तुहाडे तक इसे तरह पहुँचाते रहोंगे देखते रहो सांझा टीवी